गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रगति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा में। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज से। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपका लिन डिन, ली चोंगवेई, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका उपरोक्त दोनों, लिन डिन और ली चोंगवेई दोनों को ही जो आपका 2023 में हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। जो आपकी लिन डिन है यह आपकी चीन की, और जो आपकी ली चोंगवेई है यह आपकी मलेशिया की, दोनों को ही जो है आपका हॉल ऑफ फेम 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो आपका बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया। इसका जो उद्घाटन है आपके विदेश और संस्कृति मंत्री है आपकी मीनाक्षी लेखी, उन्होंने जो आपका इस प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ पे किया। इसमें जो है आपका भगवान बुद्ध के जन्म पर आधारित जितने भी आपके विश्व भर के जितने भी बौद्ध कला और संस्कृति हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे की गई। इसमें जो है आपके विभिन्न देशों के बौद्ध वर्चस्व वाले जैसे आपके म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और आपका दक्षिणी कोरिया के विभिन्न इन देशों के जो आपके प्रतिनिधियों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। इन्होंने जो आपका रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है। इसमें जो आपका उच्च मुद्रास्फीति और आपकी बढ़ती ब्याज दरों के कारण जो आपका पूर्व और मध्य एशिया में जो आपका इस साल जो आपका अर्थव्यवस्था में यहाँ पे मंदी की संभावना यहाँ पे बताई गई है। जो IMF है इसकी जो स्थापना है आपकी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका गोवा, पश्चिम बंगाल, मुंबई, केरल। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसका जो पुराना नाम है कोलकाता पोर्ट इसी का नाम जो है आपका बदलकर जो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। 2020 में, जून 2020 में इसका नाम बदला गया। 2020 में इसका नाम बदला गया। जो कोलकाता पोर्ट है आपका भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है आपका कोलकाता पोर्ट। ये अभी चर्चे में इसलिए है क्योंकि जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है इसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं आपके रथेंद्र रमन को जो आपका वर्तमान में जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का नए चेयरमैन नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहाँ SCO के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो आपका केंद्रीय कृषि मंत्री हैं आपके नरेंद्र तोमर, इन्होंने जो आपका SCO के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता यहाँ पे की। इसमें जो है आपके SCO के जो आपके कृषि मंत्री हैं उन्होंने जो आपका कृषि सहयोग पे संयुक्त आपकी घोषणा यहाँ पे की है। जो SCO है इसका जो गठन है आपका 2001 में इसका गठन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी हैं वो है आपके जांग मिंग वर्तमान में जो है आपके SCO के आपके सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जेनरेटिव AI चैटबोर्ड को रोल आउट करेगा? ऑप्शन है आपका गूगल, यूकॉम, याहूकॉम या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका गूगल। गूगल जो है आपका भारत सहित 180 देशों में जो आपका अपना जो आपका जनरेटिव AI चैटबोर्ड है उसको रोल आउट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है आपका उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका उड़ीसा।
उड़ीसा से संबंधित है आपका बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना। यहाँ पे जो आपका उड़ीसा के गजपति जिले में जो आपका इस बहुउद्देशीय परियोजना को जो आपका मंजूरी दी गई है, जो उड़ीसा सरकार है इसके लिए जो आपका 926 करोड़ की लागत पर आपका ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका लिंडा याकारेनो, नीरा टंडन, गीता राव गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता को जो आपका महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत इनको नियुक्त किया गया है। जो आपके नीरा टंडन है इनको जो आपका जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने जो आपका इनको घरेलू सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया है। और जो आपका लिंडा याकारेनो है इनको जो आपका ट्विटर का सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? ऑप्शन है आपका राशिद खान, विराट कोहली, केएल राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपके राशिद खान। राशिद खान है आपके अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं आपके राशिद खान। ये जो है आपके T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सऊदी अरब की नई ई वीज़ा प्रणाली से कितने देशों को लाभ मिलेगा? ऑप्शन है आपका 5, 6, 7, 8। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका 7। 7 देशों को आपका सऊदी अरब की जो नई ई वीज़ा प्रणाली है इन 7 देशों को लाभ मिलेगा। अब 7 देश कौन कौन से हैं? 7 देश हैं आपके यूएई, मिस्र, जॉर्डन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इन 7 देशों को जो है आपका सऊदी अरब की जो आपकी नई ई वीज़ा प्रणाली है इनका लाभ मिल सकेगा। थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।